बहुत अच्छा लगता है कि ये सरकार डरी हुई इस बहुजन समाज से, अब डर पैदा हो गया, ये डर देख के अच्छा लगता है हमको। लोग कहते हैं शहरों में जातिवाद खत्म हो गया, हमें लगता है शहरों के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा है। तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि न्याय मिलके रहेगा, न्याय मिलके ही रहे, क्योंकि उनके अध्यक्ष यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों में बहुत ही जोश देखने को मिल रहा है, हर्ष उल्लास की भावना जाग चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब तो लग रहा है कि न्याय मिलके ही रहेगा। यहाँ इस अंदर की प्रिंसिपल जो है वो बाबा साहब का संविधान पढ़ के ही यहाँ पर पहुंची, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं मनवादी व्यवस्था, इसलिए जातिवादी व्यवस्था। उनकी मूर्तियों पर ये माला चढ़वाते हैं और वहीं पे उनको पानी से धुलवाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको जातिवाद दिख रहा है लोगों में कि ये जातिवाद का व्यवस्था इन्होंने एक बना रखी है। देखो, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीना जाता है। वो टेंट उखाड़ के फेंक दें या हम लोग को बंद करवा दें, ऐसा करने से क्या वो मतलब उनको लगता है कि हम लोग शांत हो जाने वालों में से हैं। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में। जिस तरीके से आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, जो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा था 100 दिन से भी ज्यादा हो चुका था, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था, और आज जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है कि सारे युवा यहाँ पे बैठ चुके हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, डॉक्टर रितु के साथ आके खड़े हो चुके हैं कि उनको न्याय दिलवा के ही रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पे आने वाले, तो भीड़ आप देख ही पा रहे होंगे, साथ में पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर है। जिस तरीके से डॉक्टर रितु की जो लड़ाई जारी है, आज देखा जा सकता है कि आर्या पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे जय भीम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और डॉक्टर रितु के समर्थन में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं कि आज जो है उनको न्याय दिलवाकर ही रहेंगे। जो ये लड़ाई थी, नौकरी नहीं न्याय चाहिए की लड़ाई थी, उसके बाद अब ये धरने तक पे आएगी, क्योंकि अब इनको धरना तक नहीं करने दिया जा रहा है। टाइम लिमिट सेट कर दी कि इसी टाइम के अंदर ही आप लोग धरना कर सकते हैं। जिस तरीके से उनको हटा दिया गया, पुलिस वालों ने उनका टेंट तक तोड़ दिया, उनको हटा दिया गया, उसी तरीके से आज फिर से युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं डॉक्टर रितु की लड़ाई के लिए, समर्थन के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज की जो लड़ाई है इतनी बड़ी हो चुकी है कि 100 दिन से ज्यादा के बाद अब युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? न्याय जरूर लेंगे। देखो, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीना जाता है, क्योंकि ये मनवादी सरकार है, ये लगातार इस बहुजन समाज पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है। ये तो दिल्ली के अंदर बहन रितु जी जो सक्रिय थी, इसलिए आज ये दिख रहा है इस तरीके। जाने कितने सारे प्रोफेसर होंगे जिनके साथ अत्याचार हुआ, बहुत लोगों ने अपना देह भी त्याग दिया है इस समाज के चक्कर में, पर हाँ, अब दोबारा इस तरीके नहीं होने देंगे। ये समाज जाग चुका है, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। डॉक्टर रितु जब पिछली बार धरने में बैठने जा रही थी, दोबारा जब उनका धरना हटा देगा तो उन्हें डिटेन करके ले जाया गया, आज भी पुलिस यहाँ पे तैनात है, आप लोगों को लग नहीं रहा डिटेन करके ले जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, डिटेन करने के, देखिए, एक ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मनु का विधान नहीं चलेगा। ये जो जितने भी ये सब लगे हुए हैं, ये सब सरकारी नौकर, हमारे नौकर हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा तो बाबा साहब का संविधान है, आपके नौकर हैं। हाँ, हमारे ही नौकर हैं भाई। पुलिस प्रशासन पब्लिक सर्वेंट होता है, तो जनता की नौकर हुआ तो हमारा भी तो नौकर हुआ। तो ये बाबा साहब के संविधान की वजह से आए, किसी मनु के विधान से लिख करके कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं है। यहाँ इस अंदर की प्रिंसिपल जो है वो बाबा साहब का संविधान पढ़ के ही यहाँ पर पहुंची है, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं मनवादी व्यवस्था, इसलिए जातिवादी व्यवस्था, इसी साथ हमारे लोगों के साथ आए दिन अत्याचार। लोग कहते हैं शहरों में जातिवाद खत्म हो गया, हमें लगता है शहरों के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा है, हर स्तर पर है, कार्यालय में है, यूनिवर्सिटी में है, हर जगह पर है, जहाँ सरकारी विभाग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन, हर तरीके के प्रशासन के अंदर जातिवाद है और वो दिखता भी है। इसी तरह आप देख रहे हैं, ये जातिवाद ही है जो आज ये समाज पूरे भारत से यहाँ आया हुआ है और लगातार आ भी रहा है। अगर नहीं मानते, शांतिप्रिय तरीके ये प्रोटेस्ट चल रहा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग संविधान के मानने वाले लोग, हमारे अधिवक्ता लोग भी आए हुए हैं, जैसा उनका आदेश हो उसी तरीके हम लोग काम करेंगे। तो क्या लग रहा है, दोबारा आप लोगों को टेंट लगाने दिया जाएगा कि नहीं? अरे, टेंट लगाएंगे, ये तो जगह हमारी है भाई। मान्यवर साहब ने कहा था जो जमीन सरकारी है, वो सरकारी जमीन है, वही जमीन हमारी है ना, बात यही तो कही रहे हैं ना। हाँ। जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, लेकिन वहाँ पे 144 धारा लगा दे कि इकट्ठा तक नहीं होने देंगे आप लोग। बहुत अच्छा लगता है कि ये सरकार डरी हुई इस बहुजन समाज से, अब डर पैदा हो गया, ये डर देख के अच्छा लगता है हमको। डर होता तो आपको डिटेन करके नहीं ले जाते ना, इस तरीके से पुलिस वालों को नहीं भेजते, आपको दोबारा धरना करने देते। डर है, इसीलिए तो ये प्रशासन लगा दिया है,
डर ना होता तो बताइए प्रशासन आता है भाई? सरकार को डर है कि यहाँ दिल्ली जाम हो जाएगी, इसीलिए तो प्रशासन लगा दिया सुबह से। मैं 2 बजे रात में आया था, तब यहाँ कुछ नहीं, दोबारा देखा कि प्रशासन को पता लगा कि आज यहाँ हालत टाइट होने वाली, बहुजन समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इसलिए प्रशासन यहाँ आया। हमें ठीक है, शांति तरीके चल रहा है, जैसा भी आदेश हमारी बहन का होगा अगर ये मान रहे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन ये जारी रहेगा। तो ये कब तक चलने वाला है, क्या लग रहा है? इसका कोई समय नहीं, हमारी मांगे जो बहन की मांग है वो पूरी हो जाएगी, धरना उसी दिन से समाप्त हो जाएगा, हम लोग उसी लिए आए। हाँ, तो मतलब चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ी उम्मीद जागी है कि न्याय मिल पाएगा, कब तक मिलेगा ये कुछ तो पता हो। यहाँ पर जो बहुजन समाज के मानने वाले लोग हैं वो सभी आ रहे हैं, यहाँ मंजीत भाई भी आ रहे हैं, नवाब सतपाल जी भी आए, चंद्रशेखर भाई भी हैं, आज जितने भी समाज के अंदर दर्द है वो हर नेता हर समाज आया है। हम भी कानपुर से आए हैं, हमारे अंदर बहन के लिए दर्द, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। मैं कानपुर से 20-25 लोगों के साथ आया हूँ, हमारे अंदर समाज के लिए दर्द, इसीलिए मैं आया हूँ। यहाँ कोई ये नहीं है, समाज का दर्द था इसीलिए हम लोग आए हैं। और इसी तरह के जो लोग यहाँ आए हैं वो जिंदा लोग यहाँ आए हैं, मुर्दा लोग घर पे लेटे हुए हैं, जिंदा लोग आए हैं, और जब तक ये जिंदा लोग हैं हम संघर्ष करते रहे, वो जीतेंगे भी जरूर। मतलब जो लोग नहीं आए आप उन्हें मुर्दा लोग बोल रहे हैं? वो मुर्दा ही है, हमारी नज़र में मुर्दा ही लोग हैं। खून तो सबके अंदर है, जुनून नहीं है ना, बात ये है। अभी हमने यहाँ देखा था एक 60 साल की दादी आई थी, तो उनका जुनून था जो यहाँ आई है, उनसे हमें लोगों को सीखना चाहिए, जो नवयुवक हैं नौजवान लोग हैं, कि किस तरीके हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ हमें किस तरह के खड़े होना है। और हम लोग अभी 20-25 लोग आए, आगे बढ़ेगा तो हम 50 100 के उसमें आएंगे कानपुर से अपने। जहाँ तक देखने को मिल रहा है मतलब युवा ज्यादा लग रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है? नहीं, युवा के अंदर देखिए यहाँ पर पुराने लोग हैं, युवाओं का जोश भी है और पुराने लोगों का होश है, दोनों लोग मिलके हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके चल रहा है। अगर नहीं मानते फिर हम लोग हक छीन के लेंगे। मतलब लग रहा है कि आर या पार लड़ाई होने वाली, क्योंकि युवा में जोश ज्यादा देखने को मिल रहा है। नहीं, आर पार की तो लड़ाई ये तो है ही, अगर नहीं मिल रहा है, ये अधिकार मिलेंगे नहीं तो छीने जाएंगे। हमने पहले भी कहा कि मांगने जो नई चीज मिलती है उसको छीना जा रहा है। मैम आप एक महिला है, आप महिला के समर्थन में आई है, तो क्या लग रहा है एक महिला होने के नाते इस तरीके से उनका टेंट उखाड़ के फेंक देना? ये सरकार की तानाशाही जो रवैया चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय तरीके से काम किया जा रहा है। वो डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो डरने वाला नहीं है। वो टेंट उखाड़ के फेंक दें या हम लोग को बंद करवा दें, ऐसा करने से क्या वो मतलब उनको लगता है कि हम लोग शांत हो जाने वालों में से हैं? ऐसा नहीं होगा। प्रोटेक्ट कल भी जारी था और आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। अगर सरकार अगर नौकरी तो नहीं चाहिए लेकिन न्याय ज़रूर चाहिए। जहाँ पे आप लोग बैठे थे वहाँ बताया जा रहा था कि उस जगह को गंगा जल से तक धोया गया है, और अभी यहाँ पे एक पानी का टैंकर भी आ रहा था, तो क्या लग रहा है उससे? आप बताइए, बाबा साहब की देन है जो आज ये यूनिवर्सिटियाँ जो खुली हुई हैं, जो लोग यहाँ उनके हमारे जो समाज के बहुजन समाज के लोग ये बातें करते हैं, वहाँ जाकर उनकी मूर्तियों पर ये माला चढ़वाते हैं और वहीं पे उनको पानी से धुलवाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको जातिवाद दिख रहा है लोगों में, कि जातिवाद का व्यवस्था इन्होंने एक बना रखी है ना, इसीलिए तो SC कास्ट की बेटी पर इतना इन्होंने अत्याचार किया है, इतने लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, तो ये सरासर दिख रहा है। जिन बाबा साहब ने संविधान दिया जातिवाद खत्म करने के लिए, उन्होंने इतना चीजें करी, वही आज 2024 आ चुका है लेकिन जातिवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो जातिवाद ये यही लोग पता चला रहे ना, क्योंकि ये लोग पढ़ने लिखने का मौका हम लोगों से छीन रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करें, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमको जानना है तो आपको पूजने की जरूरत नहीं है, आप लोग किताबों में ढूंढिए, हम किताबों में मिलेंगे, मंदिरों में नहीं मिलेंगे। अब वो हम लोग जिस तरह हम लोग को मंदिरों की ओर ढकेलना चाहते हैं, तो अभी वह जाग चुका है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आ चुके हैं, लगातार लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। देख यहाँ पे पूरा चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं, लोग वहाँ पे स्वागत के लिए जा रहे हैं। जो एक डॉक्टर ऋतु एक बहुजन समाज की बेटी के लिए आए हैं उनके समर्थन के लिए, तो एक उम्मीद जागी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तक आ चुके हैं, तो एक उम्मीद जागती हुई दिखाई दे रही है कि अब लगता है न्याय मिल ही जाएगा उनको। तो पूरी पुलिस तैनात है, अब यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, पूरे मीडिया वाले यहाँ पे आ चुके हैं उनको कवर करने के लिए, और अब लग रहा है कुछ कि डॉक्टर ऋतु को न्याय मिल ही जाएगा। पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखते हैं अब आगे होता क्या है, क्योंकि
क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब आ चुके हैं, तो इन्हीं के माध्यम से लग रहा है कुछ न्याय मिल पाएगा, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा इसको जो ये धरना था उसको हो गया था। तो अब देखना ये है कि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक आगे तक जाएगी और क्या होगा इस लड़ाई में देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो धरना था वो तो हटा दिया गया था, उसके बाद भी ये डटे हुए हैं अभी तक अपनी लड़ाई के लिए। और फिर से यहाँ पे युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि हाँ अब सर क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद तक आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, चंद्रशेखर आजाद हैं और वो रितु प्रोफेसर रितु डॉक्टर के समर्थन में आए हैं, उनका दिल से धन्यवाद। तो एक उम्मीद की किरण जागी है सर कि डॉक्टर रितु को न्याय, बिल्कुल जागी है। तो लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण जागी है कि न्याय मिल के रहेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर को देखने के लिए यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई है, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता हैं भीम आर्मी के, जो नेता माने जाते हैं, इन्हीं को सब मानते, बहुजन समाज के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनको मानने वाले, तो यहीं पे उनके लिए भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग फोटोज वगैरह लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं तो अब लग रहा है कि न्याय मिल ही जाएगा। आर्या पार की लड़ाई बताई जा रही है इसमें, अब देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि नौकरी नहीं न्याय चाहिए कि जो लड़ाई है अब जमीन पे लोग बैठ चुके हैं और जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं साथ ही साथ। सर क्या कहेंगे, ये लड़ाई अब आर्य पार की हो चुकी है। अब देखिएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए हुए हैं, अब जो इनका निर्णय होगा उसको सब माने के लोग जी। तो मतलब लग रहे अब न्याय मिल के ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्याय मिलेगा, आप चिंता न करें। तो वही यही कह रहे हैं कि अब न्याय मिल के ही रहे, क्योंकि उनके अध्यक्ष यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों में बहुत ही जोश देखने को मिल रहा है, हर्ष उल्लास की भावना जाग चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब तो लग रहा है कि न्याय मिल के ही रहेगा, 100 दिन से ज्यादा की लड़ाई, क्या पता न्याय मिल ही जाए, आज सविता रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसी लड़ाई के लिए यहाँ पे ये मौजूद थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं, अब नौकरी नहीं न्याय चाहिए की लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज भी जा चुके, क्योंकि बहुजन समाज के बड़े नेता जो है उनके खुद समर्थन में उतर आए हैं। देखते आगे क्या होता है, बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया।